आज हम गोभी से बनाएंगे दो बिल्कुल स्पेशल नाश्ते जो कि आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में डाल सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर लंच और डिनर में भी खा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की। तो यहाँ मैंने लिया है एक फूल गोभी और आप देखें कितना साफ़ है। तो जब भी फूल गोभी खरीदें ना तो अच्छा सा खरीदें, मतलब गठा हुआ होना चाहिए, इसके बीच में होल्स नहीं होने चाहिए और टाइट गोभी होना चाहिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें कीड़े देख लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में काट देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे घिसना है या ग्रेट करना है। इसके लिए मैंने बारीक वाली साइड ली है ग्रेटर की और इसको हमें अच्छे से घिस लेना है। तो अगर आपके पास चॉपर है तो उसको आप बहुत बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। तो बस हम पूरा गोभी इस तरह से घिस लेंगे। तो ये देखिए मैंने गोभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बारीक है ये। और अब मैंने इसको एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें ना कितना बारीक करना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे पास है बेसन, तो मैं करीब 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक की हुई प्याज़। तो अगर आप प्याज़ नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में आप प्याज़ छोड़ सकते हैं। इसके साथ इसमें जाएगा बहुत ढेर सारा हरा धनिया, मतलब आधा कप के करीब हरा धनिया कटा हुआ। साथ में मैं डालूंगी 2 बारीक क्री हुई हरी मिर्च। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च छोड़ सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे अगर गार्लिक नहीं खाते हैं तो गार्लिक भी छोड़ सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर। इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके, क्योंकि हमने बेसन का यूज़ किया है तो इसको थोड़ा सा डाइजेस्टिव बनाने के लिए हम अजवाइन डालेंगे। साथ में मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के ज़ीरा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ताज़ा दही। तो दही से ये नाश्ता ना बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिला देना है। तो ये जो नाश्ता है ना, मुझे इसलिए बहुत पसंद है, इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं हम। और आपने देखा कि जो भी सामान इसमें यूज़ किया है वो सब आपको घर पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है अभी। और इसको और भी ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप चावल का आटा। तो अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस अब हम क्या करेंगे, इसको हमें बहुत अच्छे से इस तरह से हाथों से मसलना है, ये देखिए, और इसका एक डो तैयार करना है। ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्सर मुझे थोड़ा सा ना थिक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम गीला नहीं कर देना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्सर मैंने तैयार कर लिया है। और अब हम इस नाश्ते को 2 तरीके से बनाएंगे। तो पहले तरीके में यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है, या आप कोई प्लेट भी ले सकते हैं या फिर कोई फैला हुआ थोड़ा सा बर्तन ले सकते हैं। और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बहुत अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा इसके यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी ग्रीस करना है, नहीं तो बाद में नाश्ता इसमें से निकलेगा नहीं, वो बिल्कुल चिपक जाएगा इस पर। तो बस चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करें इसे। और अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था, करीब आधा मिक्सचर इस ट्रे पर डाल देंगे और आधा जो है हम दूसरे नाश्ते के लिए रख लेंगे। और इस तरह का आप कोई फ्लैट स्पैचुला ले लें और उससे अच्छे से इसको फैला दें। तो जो इसकी लेयर है ना, बहुत मोटी नहीं बनानी है, थोड़ी सी इसको नॉर्मल ही रखना है, क्योंकि अगर ये बहुत मोटी रहेगी ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छे से पकेगी नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको ऊपर से बिल्कुल स्मूथ कर लिया है और अब हमें इसको करना है स्टीम। स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी लिया था और इसके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया था और ये ट्रे मैंने इस पर रख दी है। आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें से भाप निकलने लगी है। हम इसको कवर कर देंगे और 12 से 15 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो जब तक ये स्टीम हो रहा है, आइए तब तक तैयार करते हैं दूसरा नाश्ता। दूसरा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर ये जो बचा हुआ बैटर है इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको हमें एक सा कर लेना है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी हमें एक डोसा बैटर की तरह करनी है। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी और हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पानी डाल के बहुत अच्छे से मिला लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए मैंने कितनी रखी हुई है। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एकदम थोड़ा सा तेल। इसको हम ब्रश से थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। और अब हम लेंगे 1 लाडल भर के बैटर जो हमने तैयार किया था और इसको धीमे हाथों से एकदम इस तरह से फैला देंगे। तो बहुत मोटा भी नहीं बनाना है इसको और बहुत पतला भी नहीं। तो ये देखिए मैंने इसको फैला दिया है और अब मैं एक स्पैचुला लूँगी और इसके साइड्स जो है ना इस तरह से कर दूँगी जिससे ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और इसको अब हम थोड़ी देर तक सिकने देंगे। तो ये देखिए जब ये सिक गया था तो मैंने इसको पलट दिया था और आप देखें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है ऊपर से। तो क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इस पर क्या करूँगी, थोड़ा सा चीज़ डाल दूँगी जिससे उन्हें खाने में और भी मज़ेदार लगे। तो आप कोई सा भी चीज़ डाल सकते हो, यह मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल किया है मैंने। और साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सीजनिंग और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक करा हुआ धनिया, ये देखिए। और बस हमें अच्छे से इसको चीज़ के मेल्ट होने तक और नीचे से क्रिस्प होने तक पका लेना है। तो इसको पकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो नीचे से तो ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है पर हमारा चीज़ अभी मेल्ट नहीं हुआ है, तो बस हम इसे एक मिनट के लिए ढक देंगे जिससे कि अच्छे से इसका चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारा जो चीला है बहुत अच्छे से सिक चुका है, एकदम क्रिस्प हो गया है। और आप क्या करो, अगर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में डालना है इसको हल्का सा ठंडा हो जाने दो, फिर काट के इसको आप उनके टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो चलिए ये तो तैयार है, हम अपनी दूसरी रेसिपी भी चेक कर लेते हैं। तो इसको स्टीम होते हुए ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुके हैं, हमें इसे एक बार चेक करना होगा। तो मैं एक टूथपिक लूँगी और इसमें डालूँगी और ये देखिए हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब ये पककर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो बस आप कोई भी कटिंग बोर्ड या ले लें और हल्का सा इसको इस तरह से पैट करें, ये देखिए बड़े आराम से निकल आएगा क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से ग्रीस किया था। और बस आप एक शार्प नाइफ ले लें इस तरह का और उसको ग्रीस कर लें और इसको कट कर लें, ये देखिए बहुत ही आराम से कट जाता है ये। और आप किसी भी शेप में काट सकते हो, मैं तो इसको आज इस तरह से पतले पतले काट रही हूँ पर आप इसकी बर्फ़ी शेप भी काट सकते हो। तो ये देखिए मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ एक पीस, ये देखिए कितना फर्म है अच्छे से। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो या फिर इसको आप इसको किसी ग्रेवी में भी डाल सकते हो, पर मैं आपको दिखाऊँगी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार तरीका इसका खाने का। इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और अब हम इनको पैन में रख देंगे। तो आज हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो या फिर आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हो। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे रखेंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करने हैं, नहीं तो क्या होगा एकदम से जल जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इनको क्रिस्पी बनाने के लिए ज़रूरी है कि इनको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्प होने तक फ्राई किया जाए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सिक गए हैं, तो हम क्या करेंगे लास्ट में इनको हल्का सा इस तरह से टिल्ट करके सेक लेंगे पैन को। तो ध्यान से करिएगा, इससे क्या होगा इसके साइड्स भी ना बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ये देखिए सिक कर बिल्कुल तैयार हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप टिश्यू पेपर पे निकाल लें जिससे कि इन्होंने जो भी एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब किया है वो निकल जाए। तो ये देखिए दोनों रेसिपीज़ बनकर बिल्कुल तैयार हैं और आप इनको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल सकते हो या फिर आप लंच ब्रेकफास्ट डिनर कभी भी खा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी होती है। और जो भी सामान मैंने आपको इसमें बताया वो हमेशा आपके घर में रहता ही है। ट्राई करके देखिएगा ये रेसिपी और आप हमें ज़रूर बताइएगा इन दोनों में से आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।